आपका स्वागत है कलांजलि में। अब बात करते हैं साहित्य की। बीकानेर साहित्य के क्षेत्र में अपना खास मुकाम रखता है। आए दिन यहाँ होने वाले साहित्यिक कार्यक्रम बीकानेर की आबोहवा में साहित्यिक रस खोल देते हैं। बीकानेर के इसी माहौल में पड़े बले और लेखन में अपना नाम बनाने वाले नामों में एक नाम कवि और कथाकार राजेंद्र जोशी का है। पिछले 3 दशकों से लेखन से जुड़े राजेंद्र जोशी से बात की हमारे सहयोगी चांद मोहम्मद ने। प्रस्तुत है राजेंद्र जोशी से बातचीत। नमस्कार, मैं चांद मोहम्मद। आज हमारे साथ में है बीकानेर के साहित्यकार राजेंद्र जोशी। पिछले 3 दशकों से लेखन से जुड़े राजेंद्र जोशी कविताएं और कहानियां लिखते हैं। इनकी अब तक तकरीबन 8 किताबें प्रकाशित हो चुकी है। राजेंद्र जोशी हिंदी और राजस्थानी दोनों भाषाओं में लिखते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके लेखन के बारे में, साथ ही साहित्य और इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। शुरुआत करते हैं आपके लेखन से। आपके लेखन के सफर की शुरुआत कब और किस तरह हुई? मेरे लेखन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं बीकानेर शहर के बीचों बीच रहता हूँ और ऐसी जगह रहता हूँ जो बीकानेर का हृदय स्थल है, कोट गेट जी। और बीकानेर के लेखकों का दिन भर रहना, आधी रात तक वहाँ जमावड़ा रहता था, तो मैं छोटा बालक होने के नाते उनकी कविताएं सुनता था, उनके गीत सुनता था, और तो और मैं आपको बताऊं कि उनकी तकरार भी सुनता था, विचारधाराओं की तकरार सुनता था। और यहाँ तक कहें कि एक कवि, एक साहित्यकार दूसरे साहित्यकार पे अपने विचारों को किस प्रकार से अपनी बात मनवाने के लिए कहते थे, तो मैं उनके बीच में सुनता था, क्योंकि मैं उस समय कुछ बोल नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था, एक स्कूल में और कॉलेज में पढ़ने वाला विद्यार्थी था। धीरे धीरे मुझे समझ आया और उन लेखकों के पास, उन साहित्यकारों के पास, उन गीतकारों के पास मेरे शहर के नामचीन लोग आया करते थे, वही शहर के पाटे पर बैठते हुए थे। ऐसे में मुझे धीरे धीरे, जब मैं स्कूल का विद्यार्थी होने के साथ साथ महाविद्यालय में आया, तब मुझे लगा कि नहीं, साहित्य एक ऐसी विधा है जो अन्य विधाओं से अपना अलग स्थान रखती है। फिर मैं डूंगर महाविद्यालय में जब गया, प्रवेश लिया, वहां मुझे बताया गया कि एक यहाँ की एक पत्रिका निकलती है मनीषा जी, उस मनीषा में आप कुछ देना चाहें तो मुझे लगा कि मैं क्या दूंगा, क्योंकि ये तो देने वाले तो मेरे शहर की, मेरे घर के बाहर, चौखट के बाहर, या यूं कहें कि मोहल्ले में तखत पे बैठे होते हैं। पर मैंने एक दिन मनीषा में देने के लिए पूरी 2-3 दिन तक उनकी बातें सुनी, उनकी, वो वहीं पे। आज तो अगर हम लेखक को कहें तो कि आप अपने गीत सुना दो, कविता सुना दो, तो अपनी किताब निकालते हैं, उन्हें याद भी कम रहती है, लेकिन वो तुरंत सुना दिया करते थे। ऐसे में मैंने सुनने के बाद अपनी पहली रचना लिखी और मैं मनीषा में मैंने अपनी पहली रचना भेजी और वो छपी भी। जी, जी, जी। पहली रचना कविता की शक्ल में थी या कहानी? वो कविता की शक्ल में थी। और दूसरी जो मेरी रचना थी जी, कविता के साथ साथ वो कहानी की शक्ल में थी, वो एक स्थानीय मैगजीन में छपी थी और वो कुछ मोहल्ले के बच्चों को लेकर के एक मैंने कहानी बनाई थी। वो बच्चों के लिए तो नहीं कह सकते, कुछ वयस्क लोगों के लिए थी, लेकिन बच्चों को मध्य में रख करके बनाई गई थी। जी, जी। उस दौर के वो साहित्यकार, कवि, लेखक जिनसे आप? अरे सर, वो तो हरीश बादानी रहे, यादवेंद्र शर्मा चंद रहे, हमारे यूं कहें के गुलाब रमानी जब ताबा साहब बीकानेर आए थे, भीष्म सहनी जब बीकानेर आए थे, तो मैं आपको एक किस्सा ये भी बता रहा था, भीष्म सहनी और गुलाब रमानी ताबा साहब जब आए थे और वो 3 दिन मेरे शहर में रुके थे और 3 दिन मैं उनके साथ, उनका अटेंडेंट के रूप में कहें या एक छोटा लेखक होने के रूप में कहें, मैं उनके साथ रहा। जी, जी। और बहुत सारे हमारे जो शहर के लेखक हैं, वो मस्तान साहब, मस्तान साहब की शायरी जिस गांव, जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ वहीं वो रहते हैं। और आपको अगर ध्यान हो तो आर्मी में मस्तान साहब को इसीलिए बुलाया जाता था कि उनकी शायरी बहुत लोग पसंद करते थे और मैं उसी मोहल्ले से आता हूँ। तो वो बहुत सारे हमारे जो अग्रज थे, भीम पांड्या ले लें, मोहम्मद सदीक साहब ले लें, साहित्य की दुनिया में बीकानेर के साहित्यकारों को कौन नहीं जानता। जी, जी।
शुरुआत में आपने बताया पहली आपकी कविता छपी, फिर कहानी छपी, शुरुआती रचनाएं, उसके बाद किस तरह ये सफर आगे बढ़ा? मैं एक बात सीधी मानता हूँ कि मैं सबको पढ़ता हूँ, सबको सुनता हूँ, लेकिन अभी जो कविता का दौर चल रहा है, अभी कविता बहुत संक्रमण काल से गुजर रही है और कविता को कविता मानने के लिए तैयार नहीं है दुनिया के आलोचक। ऐसे में कविता लिखना तलवार की धार के बराबर है। और लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कविता को अगर साहित्य से अलग कर दिया जाए तो साहित्य कुछ रहता ही नहीं, ये भी बात है। और सबसे अधिक प्रकाशित अगर कुछ हो रही है तो कविता ही हो रही है। अखबार पत्र पत्रिकाओं में ले लें या किताबों के रूप में ले लें, कविताओं की किताबें सबसे ज्यादा आती है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किसके लिए लिख रहे हैं। हमको ये सोच लेना चाहिए कि हम पाठक के लिए लिख रहे हैं, तो हमारा पाठक वर्ग कौन है? पाठक वर्ग हमारा लेखक है या पाठक अलग से है? हमारी समस्या यहाँ इन दिनों में ये आ गई है, पूरी दुनिया की अन्य भारतीय भाषाओं में और दूसरी भाषाओं में भी हम लेखक और आलोचक तक ही सीमित होकर के अपनी लेखनी को लिए बैठे हैं। जी, आपके चार काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिस तरह की कविताएं उसमें शामिल की, किस तरह के विषय उसमें आपने छुए? देखिये, मैंने बहुत सारे विषयों को लेने का प्रयास किया है जी। और मैं 3-4 विषयों को लेकर के ज्यादा सचेत हूँ। पहला काव्य संग्रह है, पहला मेरा काव्य संग्रह आया था सबके साथ मिल जाएगा जी, 2011 में आया था। दूसरा काव्य संग्रह मेरा आया था मौन से बत कही जी, 2014 में आया। और तीसरा मेरा काव्य संग्रह जो बहुत अभी इन दिनों में उसको टाइटल के लेकर के भी बहुत बहस छिड़ी और चर्चा भी रही, एक रात धूप में जी, कि रात कैसे धूप में हो सकती है। फिर हमारे कई आलोचकों ने उसको बहुत अच्छे से समीक्षा करके वो पाठकों को बताया और आलोचकों को भी बताया। एक मेरा कविता संग्रह जो अनुवाद का था जी, जो मैंने एक राजस्थानी कविताओं का हिंदी में अनुवाद किया था। तो ये काव्य संग्रह आए ये तो, और दो काव्य संग्रह भी और पाइपलाइन में है जो बहुत जल्द पाठकों के सम्मुख आने वाले हैं। तो इनमें जो कविताएं शामिल की, किस तरह के विषय आपने छुए? देखिए, सामाजिक सरोकार को लेकर के मेरी कविताएं हैं जी। और कुछ कविताएं मेरी हर काव्य में निजी जो मुझको छूने वाली है वो भी है। तीसरा सांप्रदायिक सद्भाव को लेकर के है, पर्यावरण को लेकर के है, शिक्षा को लेकर के है, और जो हिंसा को लेकर के जो बात हो रही है उस पर भी कुछ मेरी कविताएं हैं। आपको क्या लगता है कि कविताओं के जरिए आप जो मैसेज देना चाहते हैं या पाठकों के मन में अपनी बात जो डालना चाहते हैं वो कितना प्रभावी माध्यम है और किस अंदाज में इसको उठाया जाए? ये यही बात महत्वपूर्ण है कि आपकी कविता जो है वो पाठक के मन में गहरे तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, और गहरे तक पहुंचने के लिए आपको पाठक की भाषा में अपनी कविता लिखनी पड़ेगी जी। आप क्या कर रहे हैं कि पाठक जो भाषा नहीं समझता है वो भाषा वो पाठक आपकी कविता को भी नहीं समझेगा। आपका जो पाठक वर्ग है, हम कई बार कहते थे कि हम कोई इस एक पाठक वर्ग के लिए नहीं रख रहे हैं, हम तो पूरी दुनिया, ये मैं इसको बेमानी मानता हूँ। आपका पाठक वर्ग, अगर आपकी बहुत सारी पाठक है तो वो बाद में दूसरी भाषाओं में अनुवाद होकर के और पहुंचाया जा सकता है। लेकिन जो देखिए कि हमको जो पात्र मिलते हैं चाहे किसी भी प्रकार के कहानी में या दूसरे विधाओं में, वो भी हमको हमारे इर्द गिर्द मिलते हैं, और हम बहुत दावे के साथ और बहुत हैकड़ी से कहते हैं कि हमारा जो पात्र है वो हम आसपास से टटोलते हैं, तो फिर हम कभी पाठक को आसपास को क्यों नहीं मानते हैं? हम हमारे आसपास के पाठक को अपनी रचनाओं के माध्यम से इंसानियत का या जो भी विषय समाज में अभी व्याप्त है उस तक पहुंचाने का प्रयास हमारी रचनाओं के माध्यम से हम करते हैं और उसका प्रभाव भी पड़ता है। मैं आपको इसी जो मेरा टाइटल है उसी टाइटल की एक कविता बताता हूँ आपको, एक रात धूप में। ठहरना चाहती है एक रात धूप में, ठहरना चाहती है एक रात धूप में, चांदनी रात के साय में, पूनम के चांद के घर में। ठहरना चाहती है एक रात धूप में, चांदनी रात के साय में, पूनम के चांद के घर में। एक रात बिताना चाहती है धूप में, एक रात बिताना चाहती है धूप में,
अंतिम पहर की धूप में, अंतिम पहर की धूप में रात के पहले पहर से भोर तक, अंतिम पहर की धूप में रात के पहले पहर से भोर तक, चांद की चौखट को भी, चांद की चौखट को भी साझा करना चाहती है एक रात धूप में। क्या बात। कविताओं के अलावा आपने कहानियां भी लिखी, कहानियों के जो कथानक हैं वो आपके किस तरह के कथानक आपने उसमें शामिल? देखिए, कहानियों में जो मेरे कथानक हैं वो मैं इर्द गिर्द से उठाता हूँ जी, मैं अपने आसपास से उठाता हूँ। और कहानियों में सबसे बड़ी बात यह है कि कहानी का तत्व जो है, कहानी का कथानक जो है, जो शिल्प है जी, वो पाठक को उस कहानी के अंदर गोता लगाए, लगाता रहे, वो उसमें डूब जाए, वैसी कहानियां लिखने की अभी आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने बीकानेर शहर की जो जिस तरह की संस्कृति, कल्चर और वहाँ के लोग हैं, जिस तरह का उनका रहना और वो है, उस सब पे एक रिसर्च भी किया है, किस तरह के नतीजे आपको उस रिसर्च में मिले और क्या खूबी आपकी नजर में बीकानेर शहर को लेके लगी? देखिए, मेरा बहुत पसंदीदा विषय है जी जिस पे आपने बात छेड़ी है। मैं बीकानेर शहर में कहा भी जाता है कि अगर सांप्रदायिक सद्भाव पे कोई बात करनी है तो राजेंद्र जोशी को बुलाना चाहिए। मैंने एक रिसर्च किया था एक साल तक जी, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। उसके पीछे करने का एक कारण भी था कि मैं बीकानेर की जो सांप्रदायिक सद्भाव की संस्कृति है उसको पूरी दुनिया के सामने रखूं जी, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि बीकानेर एक ऐसा 530 वर्ष का युवा होता शहर है जिसने आज तक कर्फ्यू देखा नहीं कि कर्फ्यू काला होता है या सफेद होता है, और कर्फ्यू की प्रकृति कैसी होती है। और वहाँ आप देखिए कि रहमान के घर से मकान शुरू होता है और राजेंद्र के घर वो समाप्त होता है, और इस तरीके का कॉलोनाइजेशन है बीकानेर का कि छौंक भी लगती है एक घर में तो दूसरे घर में उसकी खुशबू आती है जी। और सद्भाव ऐसा है कि एक दूसरे के समस्या पे काम आते हैं, उस समय ये नहीं देखा जाता कि ये किस जाति धर्म संप्रदाय का व्यक्ति जी, जी। बीकानेर में जाति धर्म संप्रदाय के बजाय मानवता को ज्यादा महत्व दिया जाता है जी। मेरे रिसर्च के भी यही नतीजा है कि बीकानेर में आप देखिए कि 6 दिसंबर की जो घटना हुई थी पूरे देश में, बीकानेर इतना सौभाग्यशाली है कि कंकर भी नहीं फेंका गया वहाँ, और लोग बहुत बहुत आपसी सद्भाव से रहते हैं और घरों में भी कोई समस्याएं नहीं है, कॉलोनाइजेशन में भी कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक दूसरे के ब्याह शादी तीज त्योहार में वो एक दूसरे के इस तरीके से बढ़ चढ़ करके काम करते हैं जैसे उनके घर का काम हो जी। तो ऐसे शहर को देखना, जब मैंने उस शहर के पीसफुल को एग्जिस्टेंस के नतीजे 6 देशों की अलग अलग भाषाओं में वो बनकर के और गया था, और उसके बाद जब हमने उसकी प्रस्तुति दी तो वहाँ के 6 कंट्री के लोगों ने और हमारे देश के लोगों ने भी ये कहा कि हमको सांप्रदायिक सद्भाव के काम करने के लिए एक परमानेंट दफ्तर बीकानेर में लगा लेना चाहिए। उसके पीछे एक कारण रहा, ये एक दिन में नहीं होता है जी, ये हमारा स्टेट टाइम से लेकर के 530 वर्षों में बीकानेर की स्थापना के समय से लेकर के अब तक वो जैसे मारवाड़ी में कहते हैं लीक चल रही है, वो परिपाटी चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वक्त का तकाजा है कि हमें अपनी बातचीत यहीं रोकनी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने वक्त निकाला, बीकानेर शहर से यहाँ आने के बाद हमारे लिए वक्त दिया, साहित्य और आपके लेखन पे आपने चर्चा की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये तो थे कवि और कथाकार राजेंद्र जोशी से हमारे सहयोगी चांद मोहम्मद की बातचीत। अगली बार फिर मिलते हैं कलांजलि में नई कला और साहित्यिक गतिविधियों के साथ। नमस्कार।